Morning students, welcome to Saraswati Sisu Gunj Bhagwan Board Sub Standard 3rd Subject Hindi. और आज हम रिवीजन 4 में क्वेश्चन 3 का अभ्यास करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में चित्र को देखकर शब्द बनाना और वर्ण और मात्रा को मिलाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना सीख गए. आज हम ई का अभ्यास करेंगे. तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन 3rd ए क्या है. क्वेश्चन थर्ड ए शब्दों को मात्रा लगाकर पूरा कीजिए. क्या है शब्दों को मात्रा लगाकर पूरा कीजिए. कोई भी शब्द मात्रक के बिना अधूरा है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको शब्द दी गए हैं मगर उसमें मात्रा लगाई नहीं है. तो हमें क्या करना है, शब्द को देखना है और उसमें सही मात्रा लगाकर फिर से लिखना है. तो पहला शब्द है प्रसव पर कौन सा शब्द है, कृषक. ठीक है, तो यहाँ हम क उसमें री की मात्रा श क, कौन सा शब्द बना, कृषक. इसी प्रकार देखिए ग का कौन सा शब्द है, गेहूं शब्द है. तो हम कैसे लिखेंगे गेहूं, ग ए की मात्रा अनुस्वार ह की मात्रा गे हूँ. उसी प्रकार वृक्ष तो कैसे लिखेंगे, व री की मात्रा श वृक्ष. इसी प्रकार क्या है, कौन सा शब्द है, खे तो ख पे ए की मात्रा ल खे ल. जल और कौन सा शब्द है, जले तो हम लिखेंगे ज ल पे ए की मात्रा व पे बड़ी की मात्रा ज रे बी. इसी प्रकार देखिए अकली पर कौन सा शब्द है, अकेली. तो हम कैसे लिखेंगे, अ क पे ए की मात्रा ल के साथ बड़ी की मात्रा, शब्द बना अकेली. इसी प्रकार है खर पर कौन सा शब्द है, खे. तो हम कैसे लिखेंगे, ख पे ए की मात्रा साथ में त, तो शब्द बना खे. इसी प्रकार देखिए मला पर कौन सा शब्द है, मेला. तो कैसे लिखेंगे, म पे ए की मात्रा ला ल के साथ आ की मात्रा मेला. इसी प्रकार देखिए कलास शब्द है केला, तो क पे ए की मात्रा ल के साथ आ की मात्रा श, तो शब्द बना केला. उसी प्रकार देखिए कसा. ठीक है, तो कौन सा शब्द है, कैसा. तो कैसे लिखेंगे हम, के के साथ ए की मात्रा स के साथ आ की मात्रा, तो शब्द बना कैसा. इसी प्रकार देखिए जैसा, हम कैसे लिखेंगे, तो ज के साथ ह की मात्रा और स के साथ आ की मात्रा, तो शब्द बना जैसा. इसी प्रकार देखिए थोड़ा बराबर, तो शब्द कौन सा है, ठेरा. तो कैसे लिखेंगे, ठ के साथ ह की मात्रा ल के साथ ला, ठ के पर ह की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा, तो कौन सा शब्द बना, ठेरा. आगे देखिए कौन सा शब्द है, पौधा बराबर पर क्या शब्द लिखना है, पैदल. हम कैसे लिखेंगे, व के साथ ह की मात्रा ब ल, तो शब्द बना पैदल. इसी तरह सर पर शब्द है से, तो किसे लिखेंगे, स के साथ ह की मात्रा र से र. उसी प्रकार देखिए द्रोणा पर शब्द है द्रुणा, तो कैसे लिखेंगे, द री की मात्रा और के साथ आ की मात्रा, शब्द बना द्रुणा. इसी प्रकार देखिए पर तो शब्द कौन सा है, पे. तो कैसे लिखेंगे, प पे ए की मात्रा ड, तो शब्द बना पे. इसी प्रकार देखिए कला पर शब्द है केला, तो कैसे लिखेंगे,
बना केला। इसी प्रकार तेरा तो हम कैसे लिखेंगे, ट के साथ ह की मात्रा, ल के साथ आ की मात्रा, तो शब्द बना तेरा। फिर पैर, तो पैर किसे लिखेंगे, क पे ऐ की मात्रा, ल, तो शब्द बना पैर। इसी प्रकार देखिए मज पर शब्द कौन सा है, मे, तो हम म पे ए की मात्रा, ज, तो शब्द बना मे। इसी प्रकार बेटा, ठीक है, तो कौन सा शब्द बनेगा, बेटा, तो म पे ए की मात्रा, ट के साथ आ की मात्रा, तो शब्द बना बेटा। तो बच्चों हमने शब्द दी गए होंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, तो हमें शब्द में योग्य मात्रा मिलाकर उसका सही शब्द लिखना है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर बी के अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर बी, तो क्या है क्वेश्चन नंबर बी, उल्टे सीधे अक्षरों को सही क्रम से लिखकर शब्द बनाए। क्या है क्वेश्चन नंबर बी, उल्टे सीधे अक्षरों को सही क्रम से लिखकर शब्द बनाए। तो आपको यहाँ शब्द दी गए होंगे, मगर उनका जो क्रम है वो क्या है, उलट सुलट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो अक्षरों को सही क्रम में लिखना है और हमें सही शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ कौन कौन से अक्षर दी गए हैं, हमें अक्षर को देखकर ही मालूम पड़ेगा कि ये शब्द कौन सा बनेगा। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से अक्षर दी गए हैं यहाँ, यहाँ ता और मो, मोटा, तो हम लिखेंगे मो। और दूसरा कौन सा शब्द है, तो कौन सा अक्षर है, ता, तो शब्द बना मोटा। इसी प्रकार देखिए कौन कौन से अक्षर दिए हैं, खो, ना, ल, बराबर, तो इस सब इस अक्षर से कौन से शब्द, कौन सा शब्द बनेगा, तो बनेगा खो, ल, ना, खोलना, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं, ल, य, को, तो कौन सा शब्द बनेगा, कोयल, तो हम लिखेंगे को, य, ल। हमें सिर्फ अक्षर का, अक्षर जो उल्टे क्रम में दिए दी गए हैं उनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लिखना है। इसी प्रकार देखिए डा, ठो और ह, तो कौन सा शब्द बनेगा, हथौड़ा, तो हम रखेंगे ह, ठो, डा। इसी प्रकार देखिए गु, र, अ, तो शब्द बनेगा अंगूर। दूसरा है खा और कम, बराबर, तो कौन सा शब्द बनेगा, उसका सही क्रम है प और खा, तो शब्द बना पंखा। इसी प्रकार देखिए का, न, बराबर, तो शब्द बनेगा नौका, तो हम सही क्रम में लिखेंगे नौ का, शब्द बना नौका। इसी प्रकार देखिए त, र, ओ, तो इस वर्ण के साथ कौन सा शब्द बनेगा, हम सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बनेगा औरत। देखिए कौन से अक्षर दिए गए हैं, ट, ल, हो, तो हम इस वर्ण को सही क्रम में लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, ह, ट, ल, तो शब्द बना होटल। इसी प्रकार देखिए त, वो, ल, तो हम इस अक्षर को सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बनेगा वो, ट, ल। इसी प्रकार देखिए डा और वो अक्षर दिए गए, तो हम उसको सही
शब्द बनेगा तैर। उसी प्रकार देखिए न बे ग बराबर, तो सही क्रम में लिखेंगे तो कौन से शब्द बनेगा बे ग न, कौन सा शब्द बना बैंगन। इसी प्रकार देखिए आगे कौन से अक्षर दिए गए हैं र से, तो सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बना से, कौन सा शब्द बना से। इसी प्रकार देखिए नीचे अक्षर दिए गए हैं र स में, पर शब्द बनेगा रमेश। हम सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बना रमेश। इसी प्रकार देखिए ड पे, ठीक है तो हम उसको सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बना पे। उसी प्रकार नीचे देखिए कौन से अक्षर दिए गए हैं ज बी ले, ठीक है तो हम सही क्रम में लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा जले। तो हम लिखते हैं ज ले बी। इसी प्रकार नीचे अक्षर है अणा और ध्रुव, ठीक है तो सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बना ध्रुणा। हमने आगे भी ये शब्द देखा है और बाद में है ज्ञ और ध्रुव, तो उसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बना ध्रुव। कौन सा शब्द बना ध्रुव। फिर से हम एक बार सभी शब्दों को देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से शब्द बनाए, तो मोटा, खोलना, कॉयल, हथौड़ा, अंगूर, पंखा, नौका, औरत, हटर, बॉर्डर, घोड़ा, सैनिक, तैर, बैगन, सेब, रमेश, पेड़, जलेबी, ध्रुणा और ध्रुव। तो बच्चों आपको भी उल्टे क्रम में दिए गए अक्षर को सही क्रम में लिखकर उसका सही शब्द बनाना है। उसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड ए में भी हमें जो शब्द दिए हैं उसकी सही मात्रा लगाकर उसका भी सही शब्द लिखना है। तो हम इस सभी बातों का ध्यान रखकर हमें एक्सरसाइज पूर्ण करना है। थैंक यू।